हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम आप सबके लिए बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाने से पहले मैं आप सबसे यही जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाते हैं मैक्रोनी। तो मैक्रोनी बनाने के लिए हमने एक कप मैक्रोनी ले ली है, 100 ग्राम्स तक होगी मैक्रोनी। स्वाद अनुसार नमक है, ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये चॉप किया हुआ जो गार्लिक है, ये जिंजर है ग्रेटेड, ये टोमेटो केचप है 2 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून पास्ता मसाला है मैक्रोनी मसाला, ये जो है अनियन है 1 ऐसे स्लाइस में कट के रखा है पेटल्स फॉर्म में, ये 1 टोमेटो है चॉप किया हुआ, और ये कटा हुआ कैप्सिकम है। अब सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल करने के, ये हमने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसको फुल बॉईल करेंगे। मैक्रोनी में हल्का हल्का बॉईल आने लगा है, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, इतना नहीं पकाना है कि मैक्रोनी टूटने लगे। इसको इतना पकाना है कि बहुत ज्यादा गले ना। ये बॉईल हो चुकी है अच्छी तरीके से, अब इसको ड्रेन ऑफ कर लेते हैं। अब हमने मैक्रोनी को ड्रेन ऑफ कर दिया है, उसे ठंडे पानी से भी धुल दिया है। अब हमने एक पैन रखा है, ये उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ये हमने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक है, ये डालेंगे, 1 टेबल स्पून जिंजर ग्रेटेड है, ये डालेंगे, अच्छे से चलाएंगे। ये 2 ग्रीन चिलीज हैं, ये भी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से सौते करेंगे, अच्छे से सौते करेंगे, थोड़ा सा लाइट एकदम लाइट गोल्डन हो जाए। तो इसमें जो है ये पास्ता मसाला ऐड करेंगे, और ये टोमेटो केचप ऐड करेंगे। अभी केचप डालने के बाद ये हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, कैप्सिकम, अनियन और ये टमाटर। इन सबको पकाना नहीं है, थोड़ी देर तक सौते करेंगे, क्रंची रहे ताकि, और उसके बाद में मैक्रोनी ऐड करेंगे। ऐसे 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे, फिर इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब इसमें ये बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड कर देंगे। तो अच्छे से इसको सौते करेंगे, इसको भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी मैक्रोनी वाला कलर नहीं आया है, वो अभी सीक्रेट है, वो एकदम आसान तरीका है, रेड कलर एकदम आ जाएगा, आप लोग एकदम जानते होंगे, वो है कश्मीरी लाल मिर्च, वो अब इसमें ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दी है, इससे अच्छा कलर आ जाएगा, और खूब अच्छे से इसको चलाएंगे। ये देखिए आ रहा है ना कलर, रेड कलर हो गया थोड़ा, कश्मीरी लाल मिर्च डालने से मिर्च भी बहुत नहीं होगी और हमारे कलर और टेक्सचर दोनों मैक्रोनी में आपको दिखेगा। 1 मिनट तक और थोड़ा लो फ्लेम पे पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्लेटिंग।
एक मिनट हो चुका है, पूरी अच्छे से पक चुकी है मैक्रोनी। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसकी बेकिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी मैक्रोनी एकदम बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सब से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।